तुम बैठे हुए हो, लेटे हो या फिर खाना खा रहे हो, तो एक छोटी सी मक्खी हमें तंग करना शुरू हो जाए तो हमें बहुत उलझन होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मक्खियां जो हमें बिल्कुल बेकार लगती हैं, ये इस दुनिया में क्यों है? और अगर मक्खियां हमारी दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाएं, तो उसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? हमारी दुनिया का निजाम एक सिस्टम के तहत चल रहा है और मक्खियां भी उसी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। सिस्टम का एक हिस्सा अगर टूट जाए तो पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में मक्खियों की 1,20,000 इकसाम है। मक्खियां जहां फसलों को तबाह कर सकती हैं, बीमारियां फैला सकती हैं और आपको तंग भी कर सकती हैं, वहीं ही ये मक्खियां हमारी दुनिया के इकोसिस्टम को चलाने में बहुत मदद भी करती हैं। मक्खियां गंदी चीजों को खा जाती हैं, इसके बाद ये हमारे खाने पर बैठकर हमें बीमार भी कर सकती हैं। लेकिन इनका इन गंदी चीजों को खा जाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जैसा कि मक्खियां मरे हुए जानवरों के अंदर जाकर अंडे देती हैं और इन अंडों में से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं जो इन जानवरों की बॉडी के हिस्सों को आहिस्ता आहिस्ता खा जाते हैं। अगर मक्खियां इस दुनिया से खत्म हो जाएं, तो हमारी दुनिया में आपको जगह जगह मरे हुए जानवरों की डेड बॉडीज नजर आएंगी। मक्खियां यही सब कुछ खराब हुए खाने के साथ भी करती हैं। तभी आपको अक्सर कचरे के ऊपर भी बड़ी तादाद में मक्खियां नजर आ रही होती हैं। यानी कि एक तरह से मक्खियां हमारी दुनिया से उन चीजों का खात्मा कर रही होती हैं जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक हैं। मक्खियां बहुत से पौधों के लिए भी काफी जरूरी हैं, जैसा कि मक्खियों की एक किस्म मिजस, जो ककाओ नामी पौधे को पोलिनेट करती है। ये वही पौधा है जहां से हम चॉकलेट हासिल करते हैं और मक्खियों की वजह से ही इन पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। मक्खियां बहुत से जानवरों और परिंदों की खुराक भी हैं। दुनिया में मक्खियों की इतनी ज्यादा तादाद है कि इनको गिनना हमारे लिए ना मुमकिन है। मेंढक, मकड़ियां और बहुत से परिंदे मक्खियां खा कर ही अपना गुजारा करते हैं। अगर दुनिया से मक्खियां खत्म हो गईं, तो ये जानवर और परिंदे मक्खियों की बजाय सिर्फ दूसरी चीजें खाना शुरू कर देंगे, जिनसे उन चीजों का दुनिया से तेजी से खात्मा होने का खतरा बढ़ जाएगा। यानी मक्खियां हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं, जिनके खत्म होने से हमारी दुनिया को काफी नुकसान हो जाएगा। यहां तक कि साइंसदान मक्खियों से फ्यूल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मक्खियों की एक किस्म जिसे ब्लैक सोल्जर कहते हैं, जिनसे फ्यूचर में बायोडीजल बनाया जा सकता है। यही हाल दूसरे कीड़ों का भी है। कुछ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि कीड़ों के बगैर हमारी दुनिया तबाह हो सकती है। जहां कई कीड़े फसलें तबाह कर देते हैं, वहीं कीड़ों के ऐसे फायदे हैं जो हमारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम पौधों की बात करें, तो 80% पौधों को कीड़े पोलिनेट करते हैं। यानी इन पौधों की नशोनुमा इन कीड़ों के बगैर नहीं हो सकती और यही पौधे और फसलें हमारे खाने का एक अहम हिस्सा होते हैं। फल, सब्जियां, चावल, गंदम, ये सारी चीजें, मुर्गियां, गायें, भैंस, ताजा पानी की मछलियां, इन सब की खुराक भी तकरीबन खत्म हो जाएगी और दुनिया में खुराक खत्म होना शुरू हो जाएगी। कई जानवर जो कीड़े खाते हैं, वो भी खात्मे की तरफ चल पड़ेंगे।
जैसा कि मेंढक जो के कीड़े खाते हैं, वो कीड़ों के बगैर खत्म हो जाएंगे। अगर मेंढक खत्म हो गए तो कई परिंदे और सांप जो मेंढक खाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और इसका सीधा असर इंसानों पर पड़ेगा।